हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल ये स्टडी विद कलीम में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि अपने वोटर आईडी कार्ड में कैसे करेक्शन करें, क्योंकि बहुत सारे जानते ही हैं कि यहां पे कितना वोटर आईडी कार्ड में कितना करेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि फ़ोटो सही नहीं रहता है, नाम सही से नहीं लिखते हैं, वोटर आईडी कार्ड तो सही से बनाते ही नहीं है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है, तो और दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे NVSP, NVSP लिख करके क्लिक कर देना है। क्रोम में NVSP लिख करके क्लिक कर दीजिएगा और सबसे पहला साइट आएगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा साइट खुल जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। यहाँ पे तीन बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन बटन है, वहीं पे मैं क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप मोड में कर लिया है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाएगा। तो मैंने अभी एक ऑनलाइन फॉर्म किया है, तो उसका चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे उसका। अब जब ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उससे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका बना कि नहीं बना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे कि बना है कि नहीं बना है। तो चलिए मैं वो दिखा देता हूँ कि अभी बना है कि नहीं बना है। तो मैंने लोड, अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अपना नंबर डालिए जो रेफरेंस नंबर मिला है। तो चलिए मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालता हूँ। ये देखिए मैंने अपना रेफरेंस नंबर डाला। डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ, सब देखिए मैंने ऑनलाइन किया था, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पर हो गया है, सब कुछ कम्प्लीट है। अब ये मेरा, ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ दिखा रहा है, यहाँ पर पूरा नाम वगैरह भी दिखा रहा है, मतलब कि ये जल्दी मेरे पास बन के आ जाएगा। चलिए अब हम दिखाते हैं कि करेक्शन अपना कैसे करेंगे। तो करेक्शन करने के लिए आप डायरेक्ट ये तो पोर्टल खुलाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉल रोल नंबर, यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्म 8 भरना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्म 8 पे क्लिक कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रॉल रोल। अगर आपको करेक्शन करना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से करता हूं, फॉर्म 8 डायरेक्ट ना खोल के यहां से खोलता हूं। तो यहां पे क्लिक करना है। जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका खोजने के लिए बोल रहा है। तो यहां पे दिखा रहा है कि आप कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पर विवरण द्वारा खोजें या पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजें। तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है तो उस पर एक पहचान पत्र होता है, पहचान नंबर होता है, एपिक नंबर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, उसी से आप खोज लीजिए। तो चलिए देखिए पहचान पत्र क्रमांक है, यहीं से आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा एपिक नंबर, तो आपके एपिक नंबर होगा तो आप एपिक नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर स्टेट चुन लीजिएगा और यहाँ से आप लोड भी कर सकते हैं। मैं ये इसलिए दोनों दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं और यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कैप्चा डाल देंगे, तो चलिए मैं कैप्चा डालता हूँ। ये मैंने कैप्चा भी डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे मैंने खोजे में क्लिक कर दिया। देखे अब देखिए यहाँ पे मैंने खोजा तो यहाँ पे मेरा सब कुछ आ गया। अब आने के बाद मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स लिखा है और यहाँ पे सारा कुछ दिखाया, देख सकते हैं। तो व्यू डिटेल पे मैंने क्लिक कर दिया। जब मैं व्यू डिटेल पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरा सब कुछ दिखा रहा है, और मैंने इसलिए यहाँ पे सब खोल के देख लिया ताकि मैं यहाँ पे सब कुछ अपना भरते समय देख भी सकता हूँ, क्योंकि उसमें भाग संख्या पूछेगा, मतदाता क्रमांक पूछेगा, ये नंबर वगैरह पूछेगा, तो मैं यहाँ से भी देख करके भर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए नवीनतम अपडेट का समय, ये कब हुआ था तो 2018 में ही हुआ था मतदाता की तारीख। अब यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए मैं यही यहाँ से इसलिए कह रहा है कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप तो पहले विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के लिए आवेदन करेंगे,
विधानसभा क्षेत्र बदलाव के लिए आवेदन प्रवासी निर्वाचकों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र बदलाव के लिए आवेदन करें, तो यहाँ पे भी आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो अभी ओपन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म 8A ओपन हो गया, देख सकते हैं। देख लिए ना, अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो डायरेक्ट मैं ये दोनों चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको, एक तो ये दिखा दिया, और चलिए फिर आप यहाँ से लोड कर लिए और आपके पास है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्म 8 ओपन कर लीजिएगा, यहाँ से फॉर्म 8 ओपन कर लीजिएगा। फॉर्म 8 ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। आप अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो यहाँ भाषा चयन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। तो मुझे हिंदी पसंद है तो मैं हिंदी ही अपना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम वगैरह भरूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका नाम वगैरह रहेगा, यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे सब नाम वगैरह डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पे सब कुछ सब डालते जाइएगा, ये सब जो भी है वो डालते जाइएगा। और अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या बदलना चाहते हैं, नाम बदनाम में करेक्शन करना चाहते हैं, फ़ोटो में करेक्शन करना चाहते हैं, पहचान पत्र में संख्या में, पता, जन्म तारीख, क्या आप करेक्शन करना चाहते हैं। तो जो भी आपको करने वाला होगा तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिए नाम हमको करेक्शन करना है तो नाम में हम क्लिक कर देंगे, फ़ोटो करना है तो फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे, और संबंधी का नाम क्लिक करना है तो संबंधी का नाम, और जन्म तारीख इसको भी करना है तो ये भी कर सकते हैं। और इसमें दिखा रहा है कि ओनली 3 कैन बी करेक्टेड, मतलब 3 ही चीज़ करेक्ट हो सकता है। तो बस, और तो चलिए मैं इसको फॉर्म भर के तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और अपना ये फॉर्म भर के उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। या अब भरने के बाद यहाँ पे आप सब कुछ भर लीजिएगा और यहाँ पे फोटो वगैरह दे दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पे जो भी होगा दे दीजिएगा। देने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाइएगा, स्थान डाल दीजिएगा, यहाँ पे ये कैप्चा डाल दीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे ये भेज लिखा है, आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, बस उसी रेफरेंस नंबर को रखे रहिएगा और उसको 15 से 20 दिन में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो रेफरेंस नंबर आएगा तो रेफरेंस नंबर से आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस हमेशा चेक करते रहिएगा और आपका 1-2 महीने के अंदर में आपका स्मार्ट कार्ड बन के आ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।